Okay, once again, good morning all of you. Today we are celebrating 6th International Yoga Day, and due to this COVID-19 pandemic, first time we are celebrating this on virtual mode. So I request, without wasting much time, I request Chanchal Suryavanshi sir, who is our today's instructor as yoga expert, to please start the session. Thank you so much, sir. मैं चंचल सूर्यवंशी आप सब लोग का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और मैं सर्वप्रथम सबसे पहले तीर्थंकर महावीर इंस्टीट्यूट को धन्यवाद देता हूँ जिसने मुझे इस योग में समझा और आज हम सब लोग मिलके 21 जून को योगा डे है जो है उसको हम सेलिब्रेट करेंगे। तो सर्वप्रथम आप लोग को क्या करना है कि अपने पास में एक दरी, एक मेट या तो फिर कुछ भी ऐसी चीज ले ले जो आप नीचे बिछा सकते हैं, तो आपको इस टाइप से जो है बिछाना है। और दूसरी बात ये है कि जो व्यक्ति जितने आसन कर सकता है, ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना है उसको, हो सकता है कि वो कुछ आसन ना कर पाए, या ये भी हो सकता है कि वो कुछ आसन जो है वो बहुत आसानी से कर पाए और कुछ आसन को वो ना कर पाए। तो जो व्यक्ति जितना आसन कर सकता है उसे उतने ही आसन करने हैं जितना वो कंफर्टेबल है उस आसन में, ठीक है। तो सर्वप्रथम हमें क्या काम करना है, किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाना है। ध्यानात्मक आसन में बैठने के लिए आपको जो है, जैसे आपके पैर जो है दोनों स्ट्रेट रहेंगे दंडासन में, दंडासन में रहने के बाद में आप सिंपल से पालकी मार के, जैसे आप खाना खाने के लिए बैठते हो सुखासन में, वैसे भी बैठ सकते हो। दूसरा आप अर्ध पद्मासन में इस टाइप से, ये अर्ध पद्मासन, ठीक है। नेक्स्ट, अगर जो पद्मासन लगा सकते हैं इजिली तो वो पद्मासन लगा लेंगे इस टाइप से, कोई भी कंफर्टेबल आसन जिसमें आप बैठ सकते हैं। दोनों हाथ जो है वो आपकी ज्ञान मुद्रा में रहेगी और आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, लंबी गहरी श्वास लेंगे और मेरे साथ 3 times ओम चैंटिंग शुरू करेंगे। यस, लंबी गहरी श्वास अंदर लेंगे, ओम चैंटिंग स्टार्ट। ओ Once again, deep breathing, inhale and start. Once again, deep breathing, inhale, start. शांत चित्त, ओम के गुंजन के माध्यम से जो वाइब्रेशन आपके पूरे बॉडी में क्रिएट हुआ है, उस वाइब्रेशन को अंदर ही अंदर फील करने की कोशिश करेंगे पॉजिटिव भाव के साथ में, इस एस्पेक्ट के साथ में कि आज हम इंटरनेशनल योगा डे बहुत ही अच्छे से मनाएंगे और इसे अपने पूरे जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। इसी भाव के साथ में दोनों हाथों को ताकत से रफ करेंगे, अपने फेस के ऊपर रखेंगे, अंदर ही अंदर आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे और धीरे से पूरी बॉडी को लगाते हुए आंखों को ओपन कर लेंगे। यस, दोनों पैरों को आराम से कंफर्टेबल सीधा कर लेंगे। नेक्स्ट, दोनों हाथों को राइट साइड रखेंगे और दोनों पैरों को बेंड करते हुए वज्रासन में दोनों हाथों को सामने की तरफ उठाएंगे और 1 by 1 लेग सीधे करके अपनी जहां पर खड़े हो जाएंगे। आज हम करेंगे जो हमारा पहला आसन है वो सूक्ष्म व्यायाम से शुरू हुआ है, तो दोनों पैरों में जो है वो 1 फीट का गैप रहेगा हमारा और दोनों हाथों की जो पोजीशन रहेगी वो कमर पर रहेगी। आपका जो अंगूठा रहेगा वो बैक साइड रहेगा और जो उंगलियां रहेगी वो फ्रंट साइड, इस टाइप से 1 फीट का गैप। और आपको सर्वप्रथम क्या काम करना है कि गर्दन को पीछे की तरफ ले जाना है और सामने की तरफ लाना है, ठीक है। इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जिस भी व्यक्ति को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है तो उसको गर्दन यहाँ से ज्यादा सामने की तरफ नहीं लाना है, नीचे की तरफ, और जो व्यक्ति स्वस्थ है वो पूरा मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है।
तो हमको सर्वप्रथम क्या काम करना है, गर्दन को नीचे से ऊपर की तरफ जितना ले जा सकते हैं, फिर नीचे की तरफ अगेन ऊपर, कंटिन्यू हम 4 to 5 टाइम करेंगे इसको। यस, नेक्स्ट बीच में गर्दन करेंगे हम, हमारी गर्दन को लेफ्ट साइड झुकाएंगे, देन बीच में, फिर राइट साइड, बीच में, लेफ्ट, बीच में, राइट साइड, बीच में, इसी को हम ब्रीथिंग सेट कर देंगे, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, श्वास लेते हुए बीच में, एंड एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल, इनहेल। यस, नेक्स्ट जो है हम गर्दन को लेफ्ट साइड की तरफ बेंड करेंगे इस टाइप से, पीछे की तरफ जो है गर्दन को लेके जाएंगे हल्का सा, देन बीच में, राइट साइड, सेंटर, लेफ्ट, 4 to 5 टाइम इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू करेंगे। यस, नेक्स्ट है हमारा ग्रीवा संचालन। ग्रीवा संचालन में हमको क्या काम करना है, पूरी गर्दन को मूवमेंट करना है। जैसा मैंने पहले ही बताया कि जिस व्यक्ति को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है उसे गर्दन को पूरा मूवमेंट नहीं करना है, उसे सिर्फ आधा, यहाँ से सिर्फ यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और जो व्यक्ति स्वस्थ है जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम नहीं है वो गर्दन को पूरा क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में 4 to 5 टाइम देन एंटी क्लॉकवाइज विपरीत दिशा में, आंखें खुली रखना है, पूरा चारों तरफ गर्दन को जितना मूवमेंट कर सकते हैं आप। यस, रिलीज एंड रिलैक्स, दोनों हाथों को नीचे ला लेना है, दोनों पैरों में फिर से 1 फीट का गैप रहेगा। नेक्स्ट हमें क्या काम करना है कि जो हमारे हाथ है उसको थाइस के पास में स्ट्रेट करके रखना है, धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठाते हुए शोल्डर की एक्सरसाइज करेंगे हम इस टाइप से। हथेली हमारी बाहर की तरफ रहेगी, बॉडी खींची हुई रहेगी, और धीरे धीरे अगेन डाउन, अब ब्रीथिंग के साथ में करेंगे, श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, हाथों को मिलाना नहीं है इस चीज का ध्यान रखें, श्वास छोड़ते हुए डाउन, हाथों को और बाहर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, और बाहर की तरफ से स्ट्रेच करते हुए नीचे की तरफ लाएंगे, अगेन एंड डाउन, रिलीज एंड रिलैक्स। नेक्स्ट है हमारा स्कंद चक्र। इस स्कंद चक्र के लिए हमारा फिर से 1 फीट का गैप रहेगा, दोनों हाथों को हम शोल्डर लेवल पर स्ट्रेच करेंगे, हथेली ऊपर की तरफ करेंगे, और दोनों हाथों को कोहनी से बेंड करते हुए कंधे के ऊपर रख लेंगे। इस टाइप से हमारी उंगली जो है वो कंधे के ऊपर रहेगी, और धीरे धीरे जो हमको है वो कोहनी को सामने लाते हुए मिलाने की कोशिश करना जितनी मिल सकती है, और अगेन क्लॉकवाइज ऊपर से ले जाते हुए कोहनी को पीछे की तरफ मूवमेंट करेंगे 4 to 5 टाइम। स्कंद चक्र, जिस व्यक्ति को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है वो इस अभ्यास को जरूर करे, क्योंकि इस अभ्यास को करने से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम या जो जकड़न होती है मसल्स में शोल्डर में, उस चीज को जो है इस एक्सरसाइज से दूर किया जाता है। यस, नेक्स्ट एंटी क्लॉकवाइज,
विपरीत दिशा में जब सामने की तरफ कोहनी को लाएंगे तो हमें मिलाते हुए नीचे की तरफ लाना है, पूरा शोल्डर स्ट्रेच करते हुए मिलाना है, बैक साइड चेस्ट को ओपन करना है। यस, अगेन इस पोजीशन में आ जाएंगे हम जहां से गए थे, हमारी हथेली ऊपर, फिर हथेली नीचे और हाथ नीचे की तरफ। नेक्स्ट है हमारा कटी चक्रासन। कटी चक्रासन में हमें क्या करना है, सर्वप्रथम दोनों हाथों को सामने से लेके आना है शोल्डर लेवल पे। अभी आपकी हथेली जो है वो नीचे की तरफ रहेगी। यस, धीरे धीरे जो है वो राइट साइड बेंड करेंगे। एक हाथ जो है हमारा लेफ्ट वाला वो राइट जो हमारा शोल्डर होगा उसके ऊपर होगा, और दूसरा हाथ जो होगा हमारा पीछे होगा, एकदम पीठ के पीछे होगा। और जो सबसे बड़ी वाली उंगली है हमारे राइट हैंड की, उसको देखने की कोशिश करना है हमें। देन वापस धीरे धीरे बीच में, फिर लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड की उंगली को देखेंगे हम। यस, कंटिन्यू 3 times। इसमें हम ब्रीथिंग एड कर देंगे, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, श्वास लेते हुए बॉडी को बीच में लाएंगे, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड, श्वास लेते हुए बीच में। ये हमारे कंधे की एक्सरसाइज थी। अब धीरे से हम अपने हाथों को नीचे डाउन करेंगे। नेक्स्ट आसन है हमारा घुटने के लिए, घुटना शक्ति संचालन के लिए। तो हमको क्या कम करना है, दोनों पैरों में एज इट इज 1 foot का गैप रहने देना है। दोनों हाथ एक बार फिर से हम शोल्डर लेवल पर करेंगे, और चेयर पोज भी जिसे हम कहते हैं, हल्का सा बेंड करेंगे, होल्ड करेंगे थोड़ा सा, कम से कम 5 to 6 seconds, 10 seconds, 15 seconds, जितना आपकी कैपेसिटी हो, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। जिन्हें अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है वो इस अभ्यास को न करें। धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएंगे, हाथ नीचे, एक बार फिर से हम इस अभ्यास को करेंगे। दोनों हाथों को एक बार फिर से सामने की तरफ लेके जाएंगे हम, अपने को बेंड करेंगे, अपर बॉडी को हमको ऐसे झुकाना नहीं है, स्ट्रेट रखने की कोशिश करना है पूरा, और पैरों में 90 degrees का एंगल बनाना है, पूरा चेयर पोज जितना हम कर सकते हैं, जितनी देर हम होल्डिंग रख सकते हैं। इसके अलावा हम फिर से नीचे की तरफ आएंगे। ये हमारे घुटनों को मजबूत करने में मदद करता है, ये हमारे घुटनों की एक्सरसाइज जो है उसको और मजबूती से जो है वो क्रिएट करता है। यस, नेक्स्ट जो है हमारा वो है ताड़ासन। ताड़ासन के लिए हमको सर्वप्रथम क्या कम करना है, दोनों एड़ियों को आपस में जोड़ना है। ठीक है, ताड़ का जो है एक वृक्ष होता है। ताड़ का वृक्ष क्या होता है, लंबा होता है, ये पीछे आपको दिख रहा है ताड़ का वृक्ष। तो ऐसी जो है हमें क्या काम करना है कि ताड़ के वृक्ष की तरह हमें अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ खींचनी है। छोटे बच्चे को अगर इस चीज का अभ्यास हम कराते हैं तो उनकी हाइट में जो है वो बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है। इसके अलावा जो इंटेस्टाइन संबंधित प्रॉब्लम हो गई या स्टोमक संबंधी प्रॉब्लम हो गई, इन सारी प्रॉब्लम्स को जो है ये दूर करता है। तो इसके लिए हमें क्या काम करना है, दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पे लाना है, एड़ियों को मिलाने के बाद हथेली ऊपर, और फिर दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए दोनों उंगलियों को आपस में लॉक करेंगे, और हथेली जो है हाथों की उसको ऊपर की तरफ रखते हुए सिर के ऊपर रख लेंगे। अब धीरे धीरे श्वास लेते हुए हाथों को भी ऊपर ले जाएंगे, एड़ियों को भी ऊपर ले जाएंगे, पर्टिकुलर एक पॉइंट पर फोकस करेंगे और बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। यस, श्वास छोड़ते हुए डाउन, अगेन फिर से एक बार स्ट्रेच करेंगे, जिससे हमारी एक्सटर्नल ऑब्लिक्यू मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स, शोल्डर मसल्स स्ट्रेच हो प्रॉपर तरीके से। यस, रिलीज, वापस दोनों हाथों को हम जैसे गए थे हथेली ऊपर की तरफ, फिर हथेली नीचे, और फिर हाथ नीचे की तरफ। नेक्स्ट आसन है हमारा वृक्षासन। वृक्षासन, वृक्ष कैसा होता है, स्थिर होता है। तो वृक्ष की तरह हमें स्थिर रहने की कोशिश करना है, हमारे मन को
इधर उधर भटकाना नहीं है, उसके लिए हमें वृक्षासन का अभ्यास करना है। तो जो हमारा लेफ्ट लेग है, लेफ्ट लेग को हम धीरे से हाथों के सपोर्ट से उठा के राइट लेग की थाइस के सपोर्ट में लगाएंगे। फिर दोनों हाथों को इस टाइप से शोल्डर लेवल पर लाएंगे, हथेली ऊपर की तरफ, और धीरे धीरे हाथों को जोड़ के कोहनियां सीधी, कान से चिपकी हुई, और पर्टिकुलर एक पॉइंट पर फोकस करेंगे। ये आसन हमारी एकाग्रता को और धैर्य को बढ़ाता है, साथ ही साथ हमारे पैर की मसल्स को, थाइस की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत करता है। और आने वाले जो कठिन अभ्यास है, बैलेंसिंग आसन जो है, उसके लिए मदद करता है। यस, धीरे से जैसे गए थे वैसे आराम से हमें वापिस आना है। यस, दूसरे पैर से करेंगे हम, राइट वाले पैर को जो है वो सपोर्ट से हम लगाएंगे लेफ्ट पैर के। फिर अगेन दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे, हथेली ऊपर, पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस करते हुए। जिन लोग का बैलेंस अगर गड़बड़ हो रहा है या बिगड़ रहा है, तो वो लोग बार बार इस चीज का अभ्यास करे और कोशिश करे कि 5 सेकेंड रोके, 5 सेकेंड अगर रोक पा रहे हो तो उसको 10 सेकेंड में कन्वर्ट करे, और जो लोग नहीं रोक पा रहे हो तो कम से कम 2 सेकेंड 4 सेकेंड का अभ्यास करे। यस, आपका पैर जो है वो इस टाइप से साइड में होगा, ऐसे सामने की तरफ नहीं होगा, घुटना साइड की तरफ होगा, और हाथ जो होंगे वो कोहनी से स्ट्रेच होंगे, बिल्कुल चिपके हुए कान से। धीरे से दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पे लाएंगे, हथेली नीचे, और अपने हाथों की सहायता से पैर को नीचे रख लेंगे। नेक्स्ट हमारा है पाद हस्तासन। पाद का मतलब होता है पैर, हाथ, हस्तासन का मतलब हाथ। तो पैरों को जो है, पैरों की तरफ जो है वो हाथों को ले जाना है। तो हमको सबसे पहले दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना जितना हम खींच सकते हैं, लंबी गहरी श्वास को लेना है, डीप इनहेल, और श्वास छोड़ते हुए हमें सामने की तरफ झुकना है जितना हम झुक सकते हैं। ध्यान रहे कि हमारे दोनों घुटने सीधे रहेंगे और जमीन से उंगली को लगाने का अभ्यास करेंगे। जिन लोग की उंगली टच हो जाती है तो उसे हथेली लगाने का अभ्यास करना है। इस अभ्यास को करने से हमारे डाइजेशन संबंधी प्रॉब्लम, थाइस मसल्स, शोल्डर मसल्स और बैक रीजन, इन सब में फायदा मिलता है। धीरे से अगेन श्वास को लेते हुए ऊपर की तरफ एंड डाउन। एक बार फिर से हम इस आसन को करेंगे, तो हमें क्या कम करना है, दोनों पैरों को मिला लेना है। एक बार फिर से दोनों हाथों को श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, स्ट्रेच करेंगे जितना खींच सकते हैं ऊपर, श्वास छोड़ते हुए घुटने सीधे रखेंगे और फॉरवर्ड बेंडिंग होल्ड करेंगे जितना कर सकते हैं कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। यस, श्वास लेते हुए रिलीज एंड रिलैक्स। नेक्स्ट है आसन है हमारा अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन के लिए मैं आपको साइड पोज दिखाता हूं। दोनों पैरों में 1 फीट का गैप लेना है और दोनों हाथ जो है वो आपकी कमर पर रहेगा, जैसे हमने स्टार्टिंग में सूक्ष्म व्यायाम में किया था। अंगूठा हमारा अंदर की तरफ रहेगा, पीछे की तरफ, और उंगलियां जो रहेगी हमारी सामने की तरफ रहेगी। इस टाइप से पूरा सपोर्ट लेना है हमको, और धीरे धीरे जो है सांस लेते हुए बॉडी को पीछे की तरफ बेंड करना है। श्वास छोड़ते हुए वापिस आना है। ध्यान रहे इस अभ्यास को वो ही व्यक्ति करे जिनके बैक में कोई प्रॉब्लम ना हो, और वैसे ही आसन को करने से हमारी बैकबोन की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ती है, और जो हमारे नर्वस सिस्टम संबंधी जो समस्याएं होती है वो दूर होती है। तो एक बार फिर से हम इस आसन को करेंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सपोर्ट लेते हुए बेंड करेंगे। Yes, release and relax.
सामने कर लेता हूं मैं. यस, नेक्स्ट आसन है हमारा त्रिकोण आसन. त्रिकोण आसन के लिए हमें क्या काम करना है, दोनों पैरों में 2 से 2.5 फीट 3 फीट का गैप ले ले अपने कंफर्टेबल के हिसाब से, है ना. और जो कोशिश करना है कि आपके दोनों पैर के जो पंजे हो वो वी शेप में ना हो. आपको पैर की उंगलियां जो है वो सामने की तरफ रखनी है और दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पे ला ले. ठीक है, शोल्डर लेवल पे लाने के बाद में हम करते हैं त्रिकोण आसन का अभ्यास. ये हमारे इंटेस्टाइन के लिए बहुत फायदेमंद होता है. आपका जो लेफ्ट हैंड होगा वो लेफ्ट पैर के पास में होगा और आपको राइट हैंड की जो बीच वाली मध्यमिका उंगली होती है उसको देखना होगा. बीच में वापस, यस अगेन, नेक्स्ट साइड, बीच में, फिर से त्रिकोण आसन का एक बार और अभ्यास. बॉडी को 3 कोण में डिवाइड करेंगे. चेंज करेंगे. एंड रिलैक्स. दोनों हाथों को धीरे धीरे पास मिला लेंगे. पैरों को गैप कम करेंगे. हल्का सा पैरों को वाइब्रेट कर लेंगे. नेक्स्ट आसन है हमारा भद्रासन. भद्रासन के लिए हमें सबसे पहले वज्रासन में जाना पड़ेगा. तो दोनों हाथों को सामने करके पहले लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे, राइट लेग को बेंड करके आराम से वज्रासन में आ जाएं. जो लोग वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं तो वो डायरेक्ट से सिंपल भी आ सकते हैं. दोनों पैरों को जो है साइड स्ट्रेच कर लेंगे और 1 by 1 लेग को इस साइड से बेंड करेंगे. दोनों हाथों की उंगलियों को लॉक करके पैरों को लॉक करना है और जो हमारे घुटने हैं घुटनों को जमीन से टच करने का अभ्यास करना है. ठीक है, इसे कहते हैं भद्रासन. भद्रासन जो है वो हमारे थाइस मसल्स के लिए होता है, हैमस्ट्रिंग मसल्स के लिए होता है. इसके अलावा जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको इसका अभ्यास करने से बहुत ज्यादा फायदा मिलता है. कमर को सीधी रखना है, बॉडी को आगे की तरफ स्ट्रेच करना है, चेस्ट को बाहर निकालना है. यस, रिलीज एंड रिलैक्स. धीरे से दोनों पैरों को सपोर्ट लेते हुए स्ट्रेच कर देंगे. यस, नेक्स्ट है हमारा वज्रासन. तो वज्रासन के लिए मैं इस साइड से दिखा देता हूं आपको. सर्वप्रथम जो है एक पैर को बेंड करके रख लेंगे इस टाइप से, देन नेक्स्ट लेग को बेंड करेंगे और वज्रासन में आ जाएंगे. ठीक है, जिन लोग को वज्रासन में बैठने के में प्रॉब्लम होती है तो वो यहाँ पर तकिया भी रख सकता है, रुमाल रख सकता है अगर उसके पास अवेलेबल हो तो, या हो सकता है कि वो वज्रासन में अगर उसको सिंपल ऐसे ना बैठ पाए तो वो इस टाइप से बैठ जाए इजिली. ठीक है, खाना खाने के बाद में सिर्फ एक ही आसन किया जाता है और वो है वज्रासन. तो वज्रासन में दोनों हाथ जो है वो हमारे घुटने पर रहेंगे, गर्दन सामने रहेगी, स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट रहेगी और फाइनल पोजीशन में हमारी आंखें बंद, पूरा ध्यान हमारा ब्रीथिंग पर. वज्रासन क्योंकि हमारे पैरों में एक नाड़ी होती है जिसका नाम होता है वज्र नाड़ी. वज्रासन को करने से वज्र नाड़ी पर प्रेस पड़ता है और जब हमारी वज्र नाड़ी प्रेस होती है तो हमारे डाइजेशन में मदद करती है. नेक्स्ट है हमारा अर्ध उष्ट्रासन. अर्ध उष्ट्रासन के लिए दोनों घुटने में जो है वो 1 फीट का गैप लेना है और इसी में हमें खड़े हो जाना है घुटने के बल. दोनों पैरों में उतना ही गैप रहेगा आपका पीछे जितना हमारा घुटनों में गैप है. उसके बाद में वही सेम स्थिति रहेगी, हमारा अंगूठा पीछे की तरफ और उंगलियां आगे की तरफ. ठीक है, और इस टाइप से हमें पीछे की तरफ बेंड होना है.
वापिस इसके अभ्यास करने से पेट में एसिडिटी की प्रॉब्लम या गैस की प्रॉब्लम जो होती है वो खत्म होती है, साथ के साथ इसको करने से फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज होती है। एक बार फिर से हम इसका अभ्यास करेंगे अर्ध उष्ट्रासन का। यस, नेक्स्ट पूर्ण उष्ट्रासन। पूर्ण उष्ट्रासन के लिए हमें दोनों हाथ जो है वो स्ट्रेट कर लेने हैं थाइस के पास में, दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर स्ट्रेच कर देने हैं। उसके बाद में वन बाय वन लेफ्ट हैंड को जो है वो रोटेट करते हुए जो लेफ्ट पैर की एड़ी होगी हमारी इस पर जो है व्यवस्थित रख लेनी है, और दूसरा जो है राइट हैंड को घुमा के रोटेट करके एड़ी पर रखना है, और पेट को आगे की तरफ पुश करना है, गर्दन को पीछे की तरफ। वन बाय वन धीरे धीरे पॉपिंग रिलीज एंड रिलैक्स। जिनको कॉर्डोसिस की प्रॉब्लम होती है तो कॉर्डोसिस के लोगों के लिए जो है वो उष्ट्रासन जो है वो बहुत ही फायदेमंद होता है। यस, नेक्स्ट आसन है हमारा शशांक आसन। तो शशांक आसन के लिए हमें क्या काम करना है, दोनों पैरों को इसमें जो है वो इस टाइप से फैला लेना है जितना आप नीचे बैठ सकते हो जमीन पर, ठीक है। और जमीन पर घुटने को जो है वो आगे की तरफ फैला लेंगे, पैरों को बाहर निकाल लेंगे हल्का सा, जो हमारा हिप रीजन होगा उसको जो है वो जमीन पर टच करने का अभ्यास करना है, ठीक है। फिर धीरे से दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे और सामने की तरफ श्वास छोड़ते हुए चेस्ट को जो है वो जमीन पर लगाने का अभ्यास करेंगे। इसमें होल्ड करेंगे कम से कम 10 से 30 सेकंड के बीच में, जिसकी जितनी कैपेसिटी है हमारे थाइस मसल्स पर, एब्डोमिनल रीजन पर, शोल्डर पर इसका पूरा प्रभाव आपने को देखने को मिलेगा। यस, धीरे से दोनों हाथों को पास मिलाएंगे सपोर्ट से पूरी, और दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, देन रिलीज। इसी में हमें क्या काम करना है, अगर आप दर्द हो रहा है या पेन हो रहा है तो धीरे से अपने पैरों को पास निकल सकते हैं, अन्यथा नेक्स्ट आसन है उसके लिए हमें जो है दोनों हाथों को इस साइड से ऊपर लेके जाना है, और जो राइट हैंड है राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के शोल्डर के ऊपर रखना है, और लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के शोल्डर के ऊपर इस टाइप से रखें कि आपकी दोनों कोहनियां वो ऊपर की तरफ। फाइनल पोस्चर में हमें आंखें बंद रखनी है। नाउ धीरे धीरे वन बाय वन रिलीज करेंगे। यस, धीरे से एक पैर को आराम से सीधा कर देंगे, दूसरे पैर को भी सीधा कर देंगे स्ट्रेट, थोड़ा सा दोनों पैरों में वाइब्रेट कर लेंगे। हम 30 सेकंड का रेस्ट करेंगे। 30 सेकंड के रेस्ट में हमें क्या काम करना है कि दोनों पैरों में 1 फीट का गैप रखना है, ठीक है। दोनों हाथ की उंगलियां हमारी पीछे की तरफ रहेगी, और आराम से हाथों को पीछे रख ले, गर्दन को लेफ्ट साइड रख के आंखें बंद कर ले, लंबी गहरी श्वास ले और छोड़े। थ्री टाइम्स लंबी गहरी श्वास लेने और छोड़ने के बाद में नेक्स्ट आसन है हमारा वक्रासन। वक्रासन को मैं साइड से दिखा देता हूं आपको। इस टाइप से जो है आपको दंडासन में बैठ जाना है, ठीक है। दंडासन में बैठने के बाद में आपका जो राइट लेग होगा उसको इस टाइप से आपको घुटना ऊपर की तरफ कर लेना है, घुटना ऊपर की तरफ करना है, और आपका पैर का जो पंजा होगा वो दूसरे पैर के घुटने के पास में आएगा इस टाइप से, ठीक है। और आप देखेंगे कि जो आपका राइट वाला हैंड है, ठीक है, क्योंकि हमने बेंड कौन सा किया है, लेफ्ट पैर किया है, तो राइट वाला जो हैंड है इसको हमको
इसके क्रॉस करके जो हमारी बाइसेप्स ट्राइसेप्स जो है उसको घुटने के पास में लगाएंगे और जमीन पे रखते हुए पीछे वाले हाथ को पीछे करेंगे और गर्दन को घुमाएंगे पीछे की तरफ जितना खींच सकते हैं, बॉडी को स्ट्रेच करेंगे आपके बंद फाइनल पोजीशन में सर। सबसे पहले गर्दन स्ट्रेच करेंगे, फिर हाथ रिलीज करेंगे, दूसरा हाथ सामने लाएंगे और पैर को सीधा करेंगे। फिर से दूसरे लेग से करेंगे हम वक्रासन को, तो हम राइट वाले पैर को इस साइड से बेंड करेंगे, घुटना हमारा जो है वो आसमान की तरफ होगा। अब फिर से लेफ्ट वाला जो हैंड है हमारा, इसको इस टाइप से क्रॉस करना है हमको ऊपर से, ठीक है, ताकि हमारा ये हिस्सा जो है ये थाई से टच हो। इस टाइप से ये हाथ जमीन पर रखना है और ये वाला हाथ जो है हमारा उंगलियां पीछे की तरफ, हमारी अपर बॉडी स्ट्रेट रखने का कोशिश करना है और गर्दन जो है वो पीछे की तरफ बेंड हो जाएगी। फाइनल पोस्चर में आंखें बंद रखना है हमको और जो स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है उन लोगों को इसका अभ्यास करने से बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। तो आराम आराम से जितना बॉडी अलाउ करे आपकी, आपको बहुत आराम आराम से करना है, जितना आप होल्ड कर सकते हो। उसके बाद में गर्दन को सामने की तरफ लाएंगे, लेफ्ट हैंड रिलीज करेंगे, राइट वाले हैंड सामने लाएंगे और पैरों को स्ट्रेच, ठीक है। नेक्स्ट आसन है हमारा मकरासन। मकरासन के लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, लेफ्ट साइड से जैसे आप दंडासन में बैठे हुए हो तो दंडासन से आपको लेफ्ट हैंड पीछे की तरफ लेके जाना है और यहीं से मकरासन में इस टाइप से दोनों पैरों में आपका एक फिट का गैप रहेगा, दोनों पैरों की जो उंगलियां है वो बाहर की तरफ रहेगी और दोनों हाथ आपके एक के ऊपर एक रहेंगे इस टाइप से और आपको आराम से इसमें रिलैक्स करना है 10 से 30 सेकंड के बीच में। मकरासन, मकर मतलब मगरमच्छ से जो है इस आसन को लिया गया है। मगरमच्छ जो है वो भोजन करने के बाद में धूप में इसी तरह से जो है वो आराम करती है, रेस्ट करती है, जिससे उसका शरीर जो है पूरा रिलैक्स हो जाता है। तो इसी अभ्यास को हम भी अगर करते हैं तो हमारा शरीर जो है वो पूरा रिलैक्स रहेगा। जो भी थकावट हमको अभ्यास के दौरान प्राप्त हुई है वो सारी चीजें धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ब्रीदिंग पर हमारा पूरा फोकस रहेगा। यस, नेक्स्ट आसन है हमारा शलभासन। शलभासन के लिए आपको खत्म करना है कि गर्दन को सामने की तरफ करना है, दोनों पैरों को मिलाना है और हाथों को थाइस के नीचे इस टाइप से, दोनों थाइस के नीचे जो है दोनों हाथ की हथेली को रखना है। इस चीज का ध्यान रखें कि आपकी जो हथेली होगी वो नीचे की तरफ होगी और सामने की तरफ फेस रहेगा। दोनों पैरों को एक साथ ऊपर की तरफ उठाना है। धीरे धीरे रिलीज। ये हमारे डाइजेशन संबंधी समस्या को जो है वो दूर करता है। एक बार फिर से हम इसका अभ्यास करेंगे। यस, फेस सामने, हथेली नीचे की तरफ और पैरों को ऊपर की तरफ उठाएंगे आवश्यकता अनुसार। यस, धीरे धीरे रिलीज। हाथों को अपने कंफर्टेबल तरीके से सामने की तरफ ला लेंगे और लेफ्ट करवट लेते हुए पीठ के बल हो जाएंगे। इस टाइप से नेक्स्ट आसन है हमारा सेतु बंद आसन। सेतु बंद आसन के लिए हमें क्या काम करना है, सर्वप्रथम अपने दोनों पैरों को बैंड करना है, घुटने ऊपर की तरफ रहेंगे, ध्यान रखेंगे इस चीज का
कि आपके घुटने में और थाइज में गेप नहीं रहेगा, ऐसे इसको जो है आपको इस तरीके से एकदम पास में रखना है, दोनों हाथों से अपने एंकल को क्या करना है, टच करना है इस टाइप से, ठीक है, और पूरे स्ट्रेंथ के साथ में आपको मिडिल बॉडी जो है अपनी वो ऊपर की तरफ उठानी है। स्ट्रेच करिए पूरा ऊपर, श्वास छोड़ते हुए डाउन। जिस भी व्यक्ति को अगर कमर दर्द से संबंधित शिकायत रहती हो तो उस अभ्यास को जरूर करें। इस अभ्यास को करने से वो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ कमर जो है उसका दर्द जो है वो खत्म होता है। एक बार फिर से हम इसका अभ्यास करेंगे, पूरी स्ट्रेंथ के साथ में ऊपर की तरफ उठाएंगे, स्ट्रेच करिए जितना ऊपर उठा सकते हैं, होल्ड करेंगे 10 काउंट तक, यस 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रिलीज। यस, नेक्स्ट आसन है हमारा उत्तान पादासन। उत्तान पादासन के लिए हमें दोनों पैरों को आपस में मिला लेना है, दोनों हाथ की हथेली जो है वो थाइस के साइड में रहेगी जमीन की तरफ इस साइड से, और दोनों पैरों को जो है वो हमको 30 डिग्री उठाना है, धीरे धीरे करके दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे और काउंटिंग करेंगे 10 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलीज। इसको करने से जो हमारे पेट में गैस बनती है या एक्स्ट्रा फैट जो होता है हमारे पेट में, वो फैट जो है वो खत्म होता है, जो चर्बी जो होती है वो खत्म होता है, इसके साथ साथ जो कब्ज संबंधी समस्याएं जो है वो दूर होती है, और जिन लोगों की नाभि टलने की जो समस्या रहती है हर दिन या कुछ दिन में टलते रहती है, तो ऐसे लोगों को इस अभ्यास में मदद मिलेगी। एक बार फिर से करेंगे हम इसको 10 काउंट तक, यस रेडी स्टार्ट, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, रिलीज। नेक्स्ट है हमारा अर्ध हलासन। अर्ध हलासन के लिए हमको क्या काम करना है, सेम स्थिति रहेगी हमारी, दोनों हाथ जो है वो जमीन की तरफ रहेगा और दोनों पैरों को जो है वो धीरे धीरे 90 डिग्री इस टाइप से अपने कंफर्टेबल तरीके से जो है वो हम उठाएंगे और घुटने को सीधा रखने का अभ्यास करना है 10 काउंट तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, धीरे धीरे पूरे कंट्रोल के साथ में पैरों को नीचे की तरफ लाएंगे, रिलीज। लंबी गहरी श्वास लेंगे एक बार, छोड़ेंगे, एक बार फिर से अर्ध हलासन का अभ्यास करेंगे हम। नाउ स्टार्ट, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रिलीज। यस, नेक्स्ट आसन है हमारा पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के लिए हमें काम करना है, सर्वप्रथम दोनों घुटने को 1x1 बैंड करने हैं, दोनों हाथों से इसे लॉक करना है और लॉक करने के बाद में अपर बॉडी को जो है वो इसे घुटने को टच करने का अभ्यास करना है और होल्ड करना है। ये काउंटर पोज है हमारा हलासन का, और साथ ही साथ जो पवन मुक्तासन, मतलब पवन का मतलब होता है हवा, मुक्तासन का मतलब होता है निष्कासित करना, जो हमारे पेट में जो ऐसी गैस होती है जो नुकसान पहुंचाती है तो उस गैस को जो है ये निष्कासित कर देता है, इसलिए इसका नाम पवन मुक्तासन है। रिलीज एंड रिलैक्स। नेक्स्ट हमारा
सबसे आरामदायक आसन सवासन। तो सवासन के लिए हमें दोनों पैरों में 1 फीट का गैप लेना है। 1 फीट का गैप लेने के बाद में दोनों हाथ की हथेली जो है वो कमर के साइड में रहेगी इस टाइप से, और जितना आपका शोल्डर में गैप है उतना ही आपको पैरों में गैप रखना है। इसके बाद में आपकी गर्दन सीधी रहेगी, हल्का सा बहुत ही कम लेफ्ट साइड गर्दन झुकी हुई रहेगी, और पूरी बॉडी को आपको रिलैक्स छोड़ देना है। लंबी गहरी श्वास अंदर लेना है, लंबी गहरी श्वास बाहर छोड़ना है। डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। इसके साथ ही आपका पूरा फोकस पूरा ध्यान आपकी आती जाती श्वास पर रहेगा। आपको फील करना है कि हर जो श्वास आप अंदर की तरफ ले रहे हो इससे मुझे एनर्जी ताकत ऊर्जा ये सारी पॉजिटिव चीजें जो है वो मेरे शरीर में समाहित हो रही है। जो श्वास आप बाहर की तरफ छोड़ रहे हो तो उसमें आपको फील करना है, भावना करनी है कि आपके बॉडी के टॉक्सिक मैटर आपकी ब्रीदिंग के माध्यम से आपके शरीर की नेगेटिविटी आपके शरीर की गलत आदतें मेरे श्वास के माध्यम से बाहर की तरफ जा रही है। मैं मन ही मन अंदर ही अंदर पवित्र हो रहा हूं। उसी भाव के साथ में लंबी गहरी श्वास कंटिन्यू लेते रहेंगे। अपनी भावनाओं को अपने मन को अपने विचारों को शांत करने की कोशिश करेंगे। अपने मन को सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करने का अभ्यास करेंगे। फील करेंगे पॉजिटिविटी इन नेगेटिविटी आउट। इसी भाव के साथ में आंखें बंद रखेंगे और लेफ्ट करवट लेते हुए उठ के बैठे हो जाएंगे। लेफ्ट करवट लेने के बाद में आप किसी भी सुखासन में या पद्मासन अर्ध पद्मासन भद्रासन स्वस्तिकासन किसी भी ध्यानात्मक आसन में आप बैठ जाएंगे, और ध्यानात्मक आसन में बैठने के बाद में दोनों हाथों को गोद में रख लेंगे। दोनों हाथों को गोद में इस तरह कैसे रखेंगे कि आपका लेफ्ट हैंड या बाया हाथ जो है वो नीचे की तरफ आए और दाहिना हाथ ऊपर की तरफ। कमर गर्दन सीधी रहेगी, मन शांत, और बी बॉर्न अगेन की जो भावना है वो मन में रखेंगे कि आज हमारा नया जन्म हुआ है। इसी भाव के साथ में दोनों हाथों को ताकत से रफ करेंगे, आंखों के ऊपर रखेंगे इस टाइप से कि हमारे अंदर की जो आंखें हैं वो खुले और बंद हो जाए। धीरे से अपने हाथ को नीचे की तरफ रिलीज कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा प्राणायाम का सेशन शुरू होता है। तो प्राणायाम के लिए वैसे ही आपको बैठना है जैसे आप अभी बैठे हो। एक तो आप पद्मासन में अर्ध पद्मासन में स्वस्तिकासन भद्रासन या सुखासन में, तो आपको सर्वप्रथम जैसे मैं अर्ध पद्मासन में बैठा हूँ मैं पद्मासन में बैठ जाता हूँ, ठीक है। आप भी चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। आप जो है इस टाइप से दोनों हाथों को घुटने के ऊपर और कोहनियां आपकी सीधी रहेगी,
हमारा पहला प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। कुछ लोग कपालभाति को क्रिया भी बोलते हैं, कपालभाति वैसे तो क्रिया ही होती है लेकिन इसे प्राणायाम के संज्ञान में लिया जाता है। यस, कपालभाति को करने के लिए आपको सर्वप्रथम आपकी कमर गर्दन पीठ जो है वो सीधी होनी चाहिए और आपको फोर्सफुल इसमें एक्सहेल करना होता है। आपका जो एब्डोमिनल होगा, जब आप एक्सहेल करते हो तो एब्डोमिनल जो होगा वो अंदर की तरफ पुश होगा इस टाइप से। आपको फोर्सफुल बार बार जो है ब्रीदिंग को एक्सहेल करना है। आपको ये स्ट्रोक जो है वो 25 से लेके 30 इस टाइप से आप कंटिन्यू करेंगे और 3 राउंड हम लोग को करने हैं। तो फर्स्ट राउंड हम शुरू करते हैं स्टार्ट, आंखें बंद कर लेंगे और स्टार्ट। जब आपका एक राउंड पूरा हो जाए तो 30 सेकेंड का आप रेस्ट लेंगे। ध्यान रहे कि आपकी आंखें बंद रहेगी, कमर गर्दन सीधी रहेगी, आपका पूरा ध्यान आपकी आती जाती श्वास पर। कपाल भाति ये हमारे कपाल रीजन को शुद्ध करता है, इसके अलावा जो हमारे लंग्स की कैपेसिटी है उसको बढ़ाता है, हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, इसके अलावा जो हमारे डाइजेस्टिव संबंधित जो समस्याएं हैं इसको दूर करता है। एक बार सेकेंड राउंड हम इसको स्टार्ट करेंगे। यस स्टार्ट। यस, सेकेंड राउंड कंप्लीट होने के बाद में एक बार फिर से 30 सेकेंड का हम रेस्ट लेंगे। हमारी आती जाती श्वास पर फोकस करेंगे। ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है इसको क्लीन कर देगा। इसके बाद के जो प्राणायाम है उसका हम अभ्यास करेंगे तो इजिली हमें इनहेल और एक्सहेल में मदद मिलेगी। थर्ड राउंड हम स्टार्ट करते हैं कपालभाति का, 25 से 30 स्ट्रोक। नाउ स्टार्ट। यस, 3 राउंड्स कंप्लीट होने के बाद में नेक्स्ट है हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए आपको क्या काम करना है, लेफ्ट हैंड जो है वो ज्ञान मुद्रा में रखना है। ज्ञान मुद्रा कैसे लगानी है, जो हमारा लेफ्ट हैंड है उसमें हमारा जो थंब है और तर्जनी, थंब और इंडेक्स फिंगर, ये दोनों को आपस में जोड़ लेना है और लेफ्ट जो घुटना है हमारा उसके ऊपर इस तरीके से रखना है कि हमारा जो मणिबंद एरिया जो है वो घुटने के ऊपर है। नेक्स्ट राइट हैंड जो होगा वो हमारा प्रणव मुद्रा में होगा। प्रणव मुद्रा में हमको क्या कैसे करना है कि फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर, तर्जनी और मध्यमिका, दोनों को अंगूठे के जड़ में लगाने इस टाइप से, ठीक है। अब आपकी 3 उंगली आपको फ्री मिलेगी, पहला थंब, दूसरी अनामिका और तीसरी कनिष्ठिका, रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर और थंब, ठीक है। तो थंब से हमको क्या काम करना है, राइट वाला नॉस्टिल जो है उसको बंद करना है। लेफ्ट साइड से जो है इनहेल करना है, अंदर रोकना है, राइट साइड से एक्सहेल करना है, फिर राइट साइड से इनहेल, अंदर रोकना है, उसके बाद में लेफ्ट साइड से एक्सहेल, फिर अगेन बाई नासिका या लेफ्ट नॉस्टिल से हम श्वास को अंदर की तरफ लेंगे, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग श्वास को रोकने का अभ्यास करेंगे अंदर, और अंगूठा उठाते हुए
राइट नॉस्टिल से ब्रीदिंग को बाहर की तरफ छोड़ देंगे। ये क्रम कंटिन्यू लगातार अभ्यास जो है वो करते रहेंगे हम। नेक्स्ट प्राणायाम जो है वो है हमारा भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में जो है वो हमको इसी स्थिति में रहना है और षणमुखी मुद्रा, षणमुखी मुद्रा में हमको क्या काम करना है कि जो हमारे दोनों हाथ के अंगूठे होते हैं तो उससे जो है जो कान की टिप होती है, जो ऊंचा हिस्सा वाला उठा वाला जो हिस्सा है, इसको अंगूठे से जो है वो प्रेस करना है। पहले सुन लेंगे क्योंकि प्रेस करने के बाद में आवाज नहीं आएगी। प्रेस करने के बाद में हमको इस चीज का ध्यान रखना है कि फर्स्ट फिंगर जो है वो आंखों के ऊपर आएगी। यहाँ जो हमारी नेजल बोन होती है और ऑर्बिट होता है वहां पर आएगी। सेकेंड जो है वो हमारी पनामर्म, पनामर्म मतलब जहां पर हमारी नॉस्टिल खत्म होती है, एंड होती है, इस टाइप से यहाँ पर आएगी। और थर्ड फिंगर जो है वो हमारी फोटो के ऊपर, फोर्थ फिंगर फ्री रहेंगे। तो इस टाइप से हमें करना है और ध्यान से सुनना है पहले, उसके बाद में करना है कि थ्री टाइम्स भौरे की तरह गुंजन करना है और थ्री टाइम्स कंप्लीट हो जाने के बाद में अपनी जगह पर आंखें बंद करके बैठना है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टार्ट। थ्री टाइम्स कंप्लीट हो जाने के बाद में दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रख लेंगे और जो वाइब्रेशन भ्रामरी प्राणायाम के दौरान आपके पूरे ब्रेन के हर एक पॉइंट में हुआ है, उस वाइब्रेशन को आंखें बंद करके फील करने का अभ्यास करेंगे। पूरा ध्यान हमारे सिर में होने वाले वाइब्रेशन पर, नाउ नेक्स्ट आसन है हमारा, नेक्स्ट प्राणायाम जो है वो है हमारा शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम के लिए जो है वो हमें सबसे पहले दोनों हाथों को जो है वो गोद में रखना है। ठीक है, यस। नेक्स्ट हमारा जो है वो है शीतली प्राणायाम के लिए आपको जीभ को इस टाइप से बाहर निकालना है और उसको गोल शेप में आकार देना है और श्वास को उस चोच के माध्यम से, कौवे की चोच के माध्यम से, जैसे कौवे की चोच होती है वैसे ही हमें श्वास को अंदर की तरफ लेना है। श्वास को अंदर लेके नाक से बाहर निकालना है। एक बार फिर से जीभ को बाहर निकाल के गोल करेंगे और श्वास को अंदर की तरफ लेंगे। इसके बाद में हमें दोनों हाथों को जोड़ लेना है आपस में और दोनों हाथों को जोड़ने के बाद में कमर गर्दन सीधी करेंगे। हमारा सेशन एंडिंग की तरफ है। अब हमें कमर गर्दन सीधी रख के प्रार्थना करनी है। हमारे जो भी इष्ट हो आपके उसका ध्यान करते हुए कामना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखं भवेत्। सभी के भविष्य की उज्जवल कामना के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं
और सभी लोग सुखी रहे, सभी लोग निरोगी रहे। इसी भाव हमारा जो अगला कार्यक्रम है वो है शांति पाठ और आखिरी चीज। तो शांति पाठ के लिए हमें गर्दन, कमर गर्दन सीधी करनी है, मन एकदम शांत, पूरा ध्यान आती जाती श्वास पर, शांति पाठ स्टार्ट करेंगे। ओम भद्रम कर्णे भी श्रुणयाम देवा, भद्रम पश्ये मात्र भिर्जत्राः, स्त्रे रंगे स्तुष्ट्वागुम सहस्तनुभि वसेतम दायुः। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुव, याद भद्रम तन्याशुव। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिरे भवतु। दोनों हाथों को आपस में रफ करेंगे, आंखों के ऊपर दोनों हाथों को कटोरी बना के रखेंगे, पूरे शरीर को लगाएंगे। एक बार फिर से दोनों हाथों को ताकत से रफ करेंगे, पूरे शरीर को लगाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, जो इंटरनेशनल योगा डे पे आप लोगों ने अपना बहुमूल्य और कीमती समय दिया। अपने दोनों पैरों को अब आप जो है वो धीरे धीरे चिरे कर लेंगे आसानी से, और हल्का हल्का मूवमेंट करने के बाद में थोड़ा सा मूवमेंट बढ़ाएंगे और ब्लड सर्कुलेशन जो है वो सामान्य करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। Thank you very much, Chanchal sir, for this wonderful session. Honorable Vice Chancellor, Tirthankar Mahavir University, Professor Raghuveer Singh sir is with us. I request Vice Chancellor sir to please bless the gathering. Thank you, Manu. Wish everyone a happy International Yoga Day. I watched some part of it. It's been really excellent. And congratulate you and your team for organizing this event, even, you know, the in a very adverse circumstances where we could not gather together, like last year when we had a huge amount of gathering in our indoor stadium. It's part of that you have kept the spirit of yoga and organized it online, and I was seeing a lot of other people have connected to this particular event, and many of them were attempting to do whatever your lead yoga teacher was trying to teach them. Let me share my view on yoga. See, whatever little I know about yoga, it definitely cures a lot of lifestyle diseases. And of course, it makes you fit. I'm a passionate lover of physical fitness. And yoga has really played a very important, vital role for my own physical fitness. And when you look at wholesome of a person, I think physical fitness, which we today popularly known as PQ, physical quotient, plays a most important role. All other quotients, you know, whether it is your IQ, EQ, emotional quotient, SQ, that is a social quotient, interpersonal quotient, whatever the quotients are of no use if your PQ is not been, if it is not good, if it is not healthy. So as a human, I would really be useful to the society only if I'm physically fit. And to remain physically fit, you don't need any special arrangement, any special facilities. You could do it at home. You people have shown it. Your lead physical instructor has shown it, how it all can be achieved in a small
3x6 space, and which every one of us have at home. It's more important to have a determination within the individual. Okay. And I suggest, which I follow, that you take out at least 2 hours every day for your own self. That's the only time reserved for yourself. Rest all time is devoted. I mean, it's 22 hours you devote to somebody else. These 2 hours, early, I suggest early morning, because early morning you have a bundle of energy. You can expend a lot of energy and do every exercise with a lot of vigor and strength. And it would benefit all of us much more than if we do the same thing in the evening. Right? Because by evening, we all get exhausted. So we'll not be able to put in so much of a physical strength to our activities. So the early morning is an excellent time period for all of us to exclusively devote about at least 1 hour. If you could do it 2 hours, it would be great. And most of us are associated with physical education, so I'm sure all of you keep fit. But all those who are not associated with the profession, you must stick to that regime every day, and vary your regime. Don't follow the same exercise regime. Do not follow the same pattern, because it's said that if you follow the same, your benefit you get will be much lesser. Hence, change, once every 2 days or 3 days, and you reap better benefits out of it. And I'm sure all of us who have watched your the lead instructor, we all have benefited. I at least have improved. I'd like to improve the way I've been doing it. Thank you so much, Manu, and wish you all the best. Thank you. Thank you very much, sir, for your kind and motivational words. We will sure follow your guidelines, your instructions every time. Thank you, everyone, for participating, joining, and sparing time with us. Stay tuned. We have another session tomorrow in our last day of our international webinar. Please join tomorrow. We will share you the link today as well. Thank you, everyone. Thank you.